हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी हम द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इस बुक का 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाईवे स्ट्रिपर, जिसे लिखा है एके रामानुजन ने। दोस्तों अक्सर जब हम रोड के ऊपर होते हैं तो हमें कई सारे अलग अलग अनुभव होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जब हम रोड में निकलते हैं, जब हम दुनिया घूमते हैं, तो दुनिया घूमने के बाद हमें खुद के बारे में पता चलता है। ये नहीं कि दुनिया के बारे में ज्यादा पता चलता है, बल्कि जब हम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने अंतर मन को भी एक्सप्लोर करते हैं और खुद को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। यही रीजन है कि हम में से कई लोगों का एक शौक होता है कि मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन हम दुनिया देख लेते हैं उसके बाद हम में कई सारे चेंजेस हो जाते हैं। हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम हमारी मेंटेलिटी को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को अपग्रेड कर देते हैं। इस एक्सपीरियंस के अंदर एके रामानुजन अपने एक छोटे से रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जिसमें वो अमेरिका के अंदर एक रोड के ऊपर गुजर रहे थे और वहां पे कुछ वाकया हो रहा है, कुछ एक्सपीरियंस आ रहा है। ये एक्सपीरियंस एक तरह से एक ट्रांस कल्चरल एक्सपीरियंस भी है। दोस्तों ट्रांस कल्चरल एक्सपीरियंस उन अनुभवों को कहा जाता है जब एक व्यक्ति एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाता है। उदाहरण के तौर पर इस केस में अगर हम देखें तो एके रामानुजन जो कि एक भारतीय व्यक्ति है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत में बिताई थी, लेकिन 1959 में वो अमेरिका में परमानेंटली शिफ्ट हो गए। वहां पे वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर बतौर प्रोफेसर काम करने लगे और अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उन्होंने अमेरिका के अंदर ही बिताई। ऐसे में भारत जैसे देश में रहने के बाद जब वो अमेरिका में गए तो वहां पे उनको कई सारे एक्सपीरियंसेस आए। उसमें से एक एक्सपीरियंस है जिसे हम डेफिनेटली एक ट्रांस कल्चरल अनुभव कह सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और हाईवे स्ट्रिपर इस पोएम की लाइन बाय लाइन मीनिंग समरी पढ़ते हैं। ये कहानी है एके रामानुजन की, जब वो एक हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, एक हाईवे के ऊपर से वो गुजर रहे हैं। वो कहते हैं, वंस आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन अ हाईवे टू मेक्सिको। वो कहते हैं कि मैं मेक्सिको की ओर जाने वाले रोड से गुजर रहा था। आपको पता होगा मेक्सिको ये शहर अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है। और वो कहते हैं, बिहाइंड द बैटर्ड वंस ब्लू मस्टैंग विद अ रियर डस्टी विंडो। और उनके सामने जो गाड़ी है वो एक मस्टैंग है। दोस्तों आपको पता होगा फोर्ड मोटर्स ने बनाया हुआ मस्टैंग ये एक विश्व के सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से है, वर्ल्ड की सबसे ऐतिहासिक कारों में से एक है। वो कहते हैं वो मस्टैंग का जो मॉडल है वो पूरी तरह से बैटर्ड हो चुका है, बहुत ही पुराना सा और बहुत ही छिन्न विच्छिन्न हो चुका है, इतना पुराना वो मॉडल है, विद अ डस्टी रियर विंडो। और साथ ही साथ उस कार का जो रियर विंडो है, जो पिछली खिड़की है, वो बहुत ही डस्टी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल जम चुकी है। द विंड रियली सैंग फॉर मी। और ऐसे में जैसे कि अक्सर मैंने कहा था, जब हम ट्रैवल में होते हैं, जब हम रोड पे होते हैं तो हमें अलग अलग अनुभव आते हैं। उसमें से एक अनुभव होता है नेचर का अनुभव लेना, नेचर को एक्सपीरियंस करना। तो जब वो कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं विंड रियली सैंग फॉर मी, उनको ऐसे लग रहा है जैसे हवा उनके लिए गीत गा रही है, हवा में उनको म्यूजिक जैसा लग रहा है। When suddenly out of the side of the speeding car in front of me a woman's hand with a wrist watch on it threw away। और फिर वैसे वो कहते हैं suddenly अचानक से सामने वाली कार में, जो कि स्पीडिंग कार है, सामने वाली तेजी से जाने वाली कार में से एक वुमन का हाथ, एक स्त्री का हाथ बाहर निकला। उस हाथ के ऊपर एक रिस्ट वॉच भी है, उनको इतना क्लियरली दिख रहा है, कहीं ना कहीं उनका रोड के ऊपर पूरा अटेंशन है, ऐसा हमें इन लाइनों में से समझ में आता है। और वो कहते हैं उस स्त्री के हाथ ने थ्रू अवे अ सीरीज ऑफ व्हर्लिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन टू द हर्टलिंग रोड। और वो कहते हैं कि उस स्त्री के हाथ ने रोड के ऊपर कुछ व्हर्लिंग ऑब्जेक्ट्स फेंके। अभी व्हर्लिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों जब हम किसी चलते हुए वाहन में से कुछ बाहर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा जो भी आप बाहर फेंकते हो वो ऐसे फड़फड़ाते हुए नीचे गिरता है। तो ऐसे में वो स्त्री या वो औरत जो कुछ भी चीजें फेंक रही हैं वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें व्हर्ल करते हुए, फड़फड़ाते हुए नीचे गिर रही है ऑन अ हर्टलिंग रोड। हर्टलिंग रोड का मतलब होता है तेजी से चलने वाली रोड। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी रोड है जिसके ऊपर कारों का स्पीड काफी ज्यादा है। और अब हम जानने वाले हैं कि वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो उस वुमन ने नीचे फेंके हैं। अ स्ट्रॉ हैट। स्ट्रॉ हैट का मतलब होता है जो भूसे से बने हुए हैट्स होते हैं, अक्सर जो गेहूं के स्ट्रॉ होते हैं उनसे अमेरिका जैसे देशों में हैट्स बनाए जाते हैं। एक दिखने में काफी सिंपल सी होती है लेकिन वो काफी सस्ती होती है। अ वाइट शू फिट टू बी अ फिटिस। साथ ही साथ वो औरत ने जो एक शू पहना हुआ था वो शू उसने फेंका और वो शू के बारे में वो कहते हैं वो सफेद शू था, फिट टू बी अ फिटिस। हो सकता है वो जो शू है वो देखते ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही पुराना है।
ऐसा एक शू भी उस औरत ने फेंका, देन अनदर, और उसके बाद दूसरा शू भी, दूसरा जूता भी उसने फेंक दिया। अ हेवी प्लीटेड स्कर्ट एंड अ फ्लटरी स्लीप, और उसके बाद उस औरत ने एक हेवी प्लीटेड स्कर्ट, जिसे हम एक घाघरा भी कह सकते हैं, हमारे भारत देश में जो हम घाघरा नाम से जानते हैं, जो हेवी प्लीटेड होता है, प्लीटेड का मतलब होता है एक के ऊपर लेयर, इस तरह से जो स्कर्ट्स बनाए जाते हैं तो उन्हें प्लीटेड स्कर्ट्स कहा जाता है, जिसे हम घाघरा कह सकते हैं। तो घाघरे नुमा एक स्कर्ट भी उस औरत ने उतार कर फेंक दिया, एंड अ फ्लटरी स्लीप, और उसके बाद स्लीप भी उसने उतार कर फेंक दी। अ फेडेड पिंक फ्रेड लेस एज एंड ऑल, और उसके बाद उसने फेडेड पिंक लेस एज, जो लेस होती है उसका एज एंड ऑल, आई इवन हर्ड इट्स विश, और वो कहते हैं कि वो जो लेस है, लेस मतलब रस्सी नुमा होता है, तो वो कहते हैं जब वो रस्सी नुमा चीज उनकी कार के पास से गुजरी तो वो कहते हैं आई इवन हर्ड इट्स विश, तो उसकी तक आवाज उनको सुनाई दी, जो स्विश की आवाज आती है जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड से बाहर फेंका जाता है, तो आवाज तक ऑथर ने सुनी। अ लेग ऑफ मटन ब्लाउज जस्ट एज फ्लटरी, साथ ही साथ उसके बाद उस फीमेल ने जो मटन ब्लाउज होता है, अ लेग ऑफ मटन ब्लाउज ऐसा ब्लाउज होता है जिसमें बाइसेप्स के ऊपर काफी ढीला ढीला ब्लाउज होता है, लेकिन रिस्ट के पास, कलाइयों के पास वो टाइट हो जाता है, ऐसा जो बलून टाइप होता है उसे मटन ब्लाउज कहा जाता है। तो वो कहते हैं अ लेग ऑफ मटन ब्लाउज, इस तरह का ब्लाउज भी इससे पहले हमने देखा था, फीमेल ने स्लीप उतार कर फेंकी, अभी स्लीप के नीचे ब्लाउज होता है, तो ब्लाउज भी उस फीमेल ने उतार कर फेंका, और वो ब्लाउज भी जस्ट एज फ्लटरी है, वो भी इतना ज्यादा फ्लटर कर रहा है। कोई चीज कब फ्लटर करती है, जब वो काफी हल्की हो, अगर कोई भारी भरकम वस्तु हो तो जाहिर सी बात है उतना ज्यादा फड़फड़ाएगी नहीं। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये जो भी चीजें फेंक रही है औरत, वो चीजें काफी पुरानी सी है, जो हैट है वो सस्ती है, जो शूज है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, जो स्कर्ट है वो काफी ओल्ड स्टाइलिश है, साथ ही साथ जो लास्ट में स्लिप फेंकी है इसकी भी क्वालिटी उनको उतनी अच्छी नहीं लगी। एंड एज आई स्टेप्ड ऑन द गैस एंड माई कार लंग्ड इन टू द 50 feet बिटवीन मी एंड देम अ रेदर ऑर्डिनरी, और फिर कहते हैं एंड, और इसके बाद उन्होंने अपने गैस के ऊपर मतलब एक्सलरेटर के ऊपर उन्होंने दबाव डाला, उन्होंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सलरेटर के ऊपर अपना पैर रखा, एंड माई कार लंग्ड, लंग करने का मतलब होता है आगे की दिशा में तेजी से बढ़ना, और वो कहते हैं मेरी कार तेजी से आगे बढ़ने लगी into the 50 feet between me and them, और फिर सामने वाली कार और उनके बीच में जो 50 feet का फासला था, जो 50 feet का डिफरेंस था, उसकी तरफ उनकी कार बढ़ती चली गई। and them a rather ordinary used and off white bra for smallish breast vault of the window, और जैसे ही वो सामने वाली कार की तरफ बढ़ रहे थे, तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जो उनके बीच में 50 feet का फासला है उसे पूरा कर रहे थे, उसी समय एक rather ordinary सा दिखने वाला, एकदम सिंपल सी क्वालिटी का, साधारण दिखने वाला ऑफ वाइट कलर की जो ब्रा होती है, वो ब्रा भी जिसे देखकर उन्हें लग रहा था जो स्मॉलिश ब्रेस्ट के लिए होगा, जो छोटे छोटे ब्रेस्ट की वो औरत होगी, ऐसा उन्हें उस ब्रा को देखने के बाद लगा, वो भी वहां से वर्ल होता हुआ सामने वाली कार से फड़फड़ाता हुआ निकला और स्ट्रक अ फार्मर्स बार्ब्ड वायर, और जो रास्ते के साइड में खेती है और खेती के साइड में जो बार्ब्ड वायर्स होते हैं, जो गोल गोल ऐसे बार्ब्ड वायर्स होते हैं, उस वायर के ऊपर वो जाकर स्ट्रक हो गया, अटक गया विद येलो ग्रीन फीट ग्रास बियॉन्ड, और उस बार्ब्ड वायर के पीछे जब हम देख रहे हैं तो ग्रास फीट की ग्रास है, यानी कि गेहूं की खेती है, गेहूं की खेती है या फिर उसी की तरह दिखने वाली कोई घास है, उसके सामने बार्ब्ड वायर के ऊपर वो व्हाइट कलर की ब्रा वहां पर जाकर अटक गई। एंड स्प्रेड ईगल्स ऑन इट, और उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं जैसे ब्रा के दोनों कप्स अच्छे से दिख सके, ऐसी पोजीशन के अंदर वो वहां पर वो वायर के ऊपर अटक गई, और उसे वो कहते हैं स्प्रेड ईगल्स, ऐसे पूरी तरह से स्प्रेड होकर, जैसे कोई ईगल हो, कोई बाज जैसे उड़ रहा हो, वैसे स्थिति में, वैसे आकार में वो वहां पर स्प्रेड हो गई और पिन हो गई बाय द ब्लोइंग विंड, जो हवा है, हवा की वजह से वो उसी के ऊपर पिन हो गई, उसी के ऊपर चिपक गई, जैसे उसी का एक हिस्सा हो। देन बिफोर आई न्यू ब्राइट रेड पैंटीज लेस विद व्हाइट हिट माय विंडशील्ड एंड आई फ्लिंच, और वो कहते हैं और फिर अचानक से, देन बिफोर आई न्यू, इससे पहले कि वो कुछ समझ सकते हैं या उन्हें कुछ पता चल सकता, ब्राइट रेड कलर की पैंटीज, एकदम रेड कलर की पैंटीज लेस्ड विद व्हाइट, जिसकी व्हाइट कलर की लेसिंग थी, ऐसे पैंटीज उनके विंडशील्ड के ऊपर, यानी उनके कार के सामने वाली कांच के ऊपर आकर
अटक गई, उसको आकर टकरा गई। और फिर जैसे ही वो पैंटीज उनके कांच के ऊपर आके टकराई तो आई फ्लिंच, वो कहते हैं मैं अचानक से फ्लिंच हो गया, अचानक से वो डर गए, क्योंकि ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ और अचानक से वो डर गए या चौंक गए। आई स्वर्व्ड, और वो कहते हैं अब यहाँ पे वो चौंक गए या डर गए हैं इस वजह से वो स्वर्व कर गए। स्वर्व करने का मतलब होता है अचानक से दिशा बदल जाना। ऐसा आपने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा, जब आप ड्राइव करते हो अचानक से अगर कुछ हो जाता है तो आपके कार की दिशा बदल जाती है, आपकी टू व्हीलर की दिशा बदल जाती है, उसे स्वर्व होना कहते हैं। तो उनकी भी कार की दिशा अचानक से बदल गई, बट देन इट वॉज गॉन। और फिर कहते हैं वो जो पैंटी उनके सामने वाली विंडशील्ड के ऊपर आकर अटक गई थी वो अचानक से वहां से चली गई, स्वेप्ट असाइड बिफोर आई स्ट्रेटन अप। और फिर जैसे कि मैंने कहा था उनकी दिशा बदल गई थी, दिशा स्वर्व हो गई थी अचानक से चौंकने के कारण। जैसे जैसे वो स्ट्रेटन अप होने लगे, फिर से एक बार अपनी कार को स्ट्रेट करने लगे, सीधा रोड की दिशा से लाइन अप करने लगे, उतने ही देर में वो स्वेप्ट असाइड हो गई हवा के कारण, वो पैंटी उड़कर चली गई। फॉर्चुनेटली नो वन एल्स ऑन द रोड। और फिर वो कहते हैं फॉर्चुनेटली, नसीब की बात है कि कोई और रोड के ऊपर नहीं था। ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी कार की दिशा अचानक से बदल गई थी जब वो उनकी विंडशील्ड के ऊपर पैंटी आने के कारण फ्लिंच हो गए थे, चौंक गए थे। अगर कोई और रोड पे होता तो हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो जाता। एक्साइटेड क्यूरियस टू सी द स्ट्रिपर ऑन द हाईवे मे बी विद एन अर्जेंट लवर्स वन फ्री हैंड। और फिर वो कहते हैं उनकी स्टेट ऑफ माइंड कैसे हो गई, ये सारा जब उन्होंने वाकया देखा, जब वो देख रहे हैं कि सामने वाली कार में से एक औरत अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक रही है, यहाँ तक कि उस औरत ने अपनी ब्रा और अपनी पैंटी तक फेंक दी है। इसका मतलब अगर ब्रा और पैंटी भी फेंक दी है तो सामने वाली कार में जो भी फीमेल है, जो भी औरत है, अभी वो पूरी तरह से नग्नावस्था में है। तो ऐसा सोच के वो एक्साइटेड हो गए हैं, वो पूरी तरह से एंथुजियास्टिक महसूस कर रहे हैं, एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं, और क्यूरियसिटी उनके अंदर बढ़ गई है। अभी वो सोच रहे कि ये कौन फीमेल होगी, कौन औरत होगी, टू सी द स्ट्रिपर ऑन द हाईवे। और फिर उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, कौतूहल बढ़ गया है, टू सी द स्ट्रिपर ऑन हाईवे, ये हाईवे के ऊपर कौन स्ट्रिप कर रही है वो उन्हें देखने के लिए क्यूरियस हो गए हैं, वो देखना चाहते हैं। मे बी विद एन अर्जेंट लवर्स वन फ्री हैंड। और वो अब अपने दिमाग के अंदर इमेजिन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था एक ट्रांसकल्चरल अनुभव है। दोस्तों जब हम अमेरिका या डेवलप कंट्रीज के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के कल्चर के अंदर सेक्स या फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ही कैजुअली होता है, हमें ऐसे लगता है कि वहाँ पे ओपनली सेक्स किया जाता है। तो ऐसी हमारे दिमाग के अंदर धारणा है, यहाँ पे मैं हमारे दिमाग की धारणा के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि वहाँ पे होता है या नहीं होता है इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। तो उनके दिमाग में ये है कि ये औरत ने जो सारे कपड़े फेंके हैं उसका रीज़न क्या है, कि वो अभी पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुकी है और उसे अर्जेंसी महसूस हो रही है। अर्जेंसी किस चीज़ की महसूस हो रही है, सेक्स करने की। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है, मे बी वो सोच रहे हैं कि मे बी हो सकता है कि वो जो कोई भी ड्राइवर है उसका एक हाथ फ्री होगा, ड्राइव करते करते कार चला चलाते उसका एक जो फ्री हाथ होगा ऑन हर ब्रेस्ट, उस औरत के ब्रेस्ट के ऊपर होगा, सीने के ऊपर होगा, ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं। और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहे हैं और वर देयर मेनी, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं क्या वहाँ पे एक से ज्यादा पुरुष है, क्या एक से ज्यादा लोग वहाँ पे है, कोई थ्रीसम तो नहीं हो रहा यहाँ पे, कुछ इस तरह के थॉट उनके दिमाग के अंदर आ रहे हैं। और था हो सकता है उस ड्राइवर के हाथ उनके ब्रेस्ट के ऊपर होंगे या फिर थाई के ऊपर होंगे। तो ये सारी सेक्सुअल इमेजरी रीडर के माइंड में यहाँ पे साथ ही साथ क्रिएट हो रही है, जो इस वक्त उस वक्त एके रामानुजन के मन के अंदर क्रिएट हो रही थी। क्योंकि जाहिर से बात है अगर कोई देखेगा कि सामने वाली कार में से किसी औरत के सारे एक एक कपड़े बाहर फेंकते जा रहे हैं और साथ ही साथ उसकी ब्रा और पैंटी भी फेंकी जा रही है, तो उन्हें यही लगेगा कि सामने कुछ चल रहा है, कुछ तो सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही है। और उसके बाद वो कहते हैं आई स्टेप्ड अगेन ऑन द गैस, और फिर से एक बार उन्होंने अपने कार की स्पीड बढ़ाई, अपने एक्सलरेटर के ऊपर उन्होंने अपना पैर जोर से दबाया, फ्रस्ट्रेटेड बाय द डस्टी रियर विंडो। और वो कहते हैं कि सामने वाली कार की जो रियर विंडो है, जो पिछली खिड़की है, पिछली कांच है, वो डस्टी है, धूल से भरी हुई है, उसे देखने के कारण वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। क्यों फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, इसका रीजन यह है कि अभी उनके अंदर सेक्सुअल अर्ज बढ़ गई है। वो इमेजिन कर रहे हैं कि सामने वाली कार के अंदर सेक्स चल रहा है, सामने वाली कार के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही है। और हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है कि मैं भी ये सेक्सुअल एक्टिविटी देखूं, या हो सकता है मैं उसको देखकर आनंद लूं, लेकिन वो उस एक्टिविटी को
या उस कार में क्या चल रहा है इसे वो देख नहीं पा रहे, बस वो अपने दिमाग के अंदर ही इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाली कार का जो पिछला कांच है वो डस्टी है, गंदी है। तो इस कारण वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या चल रहा है। एट 50 फीट आई पास देम एट 70, और वो कहते हैं कि अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण उन्होंने तेजी से अपनी स्पीड बढ़ाई और उन दोनों कारों के बीच में जो 50 फीट का फासला था वो फासला पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी स्पीड 70 की स्पीड तक ले गए और फिर उस सामने वाली कार को उन्होंने पास किया, क्रॉस किया इन दैट एब्सोल्यूट सेकंड। और जैसे ही उन्होंने 70 की स्पीड से उस आगे वाली कार को पास किया, क्रॉस किया, उस एक एब्सोल्यूट सेकंड में, उस एक सेकंड के गैप में या उस एक सेकंड के टाइम में दैट ग्लिम्स एंड आफ्टर इमेज इन दिस हिल ऑफ वायर्स। और वो कहते हैं कि उस ग्लिम्स, ग्लिम्स को कहते हैं एक छोटी सी कटाक्ष, एक छोटी सी नजर। वो कहते हैं कि उस एक सेकंड का जो उन्हें विंडो मिला, एक सेकंड जो उन्होंने उस क्रॉस करते हुए साइड की कार में देखा, तो वहां पे जो इमेज उनको दिखी इन दिस हिल ऑफ वायर्स, वो कहते हैं अब तक जो वायर्स चल रहा था, वायर का मतलब होता है किसी और को सेक्स करते हुए देख के हमको उत्तेजना महसूस होना, हमको भी सेक्स करने की इच्छा होना। तो इतनी देर से उनके दिमाग में जो चल रहा था वो एक वायर था, उनको ऐसे लग रहा था कि सामने वाली कार के अंदर कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही है, और ऐसा सोच के उनके अंदर भी सेक्स की उत्तेजना बढ़ गई थी। तो वो कहते हैं कि इतनी देर से मेरे अंदर जो सेक्स की उत्तेजना बढ़ गई थी वो हेल थी, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा सेक्स की उत्तेजना बढ़ गई थी। आई सॉ ओनली वन एट द व्हील, और यहाँ पे अभी एंटी क्लाइमैक्स आ रहा है। इतनी देर से जो रीडर्स है उनके अंदर भी अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गए, रीडर्स को भी ऐसे लगने लगा है कि शायद सामने वाली कार में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, क्योंकि अमेरिकन कल्चर के अंदर ऐसे होता है, ऐसे हमको लगता है या ऐसा हमको पता है, ऐसे हमको एक्सपेक्टेड है कि उस कल्चर में ऐसा होता है। तो अभी अचानक से यहाँ पे एंटी क्लाइमैक्स हो रहा है, क्योंकि सामने वाली कार के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति है, अ मैन, जो कि एक पुरुष है अबाउट 40, और वो पुरुष एक 40 साल का व्यक्ति है, अ स्पेक्टेकल प्रोफाइल, उसने चश्मा लगाया हुआ है, यानी कि बहुत ही नॉर्मल सा व्यक्ति है, लुकिंग ओनली एट द रोड, और वो सिर्फ रोड पे देख रहा है, वो कुछ और नहीं कर रहा, बियॉन्ड द नोज ऑफ द मस्टैंग, वो जो मस्टैंग कार चला रहा है उस कार के आगे जो रोड है सिर्फ उसी के ऊपर उसका ध्यान है, विद अ फुटबॉल रेडियो ऑन, और फिर उस कार के अंदर जो रेडियो है, जो FM होगा, उसके ऊपर फुटबॉल मैच की समरी या कमेंट्री वो सुन रहा है। इतना नॉर्मल सा सीन उनको देखने को मिला, और उनका खुद के ऊपर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी, और ये एक्सपेक्टेशन से कम्प्लीटली अलग हुआ है। इसीलिए अगेन एंड अगेन आई लुक्ड इन माय रियर व्यू मिरर, अब क्योंकि उनकी कार आगे चली गई है और वो कार अभी पीछे रह गई है, तो वो कहते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार मैंने मेरे रियर व्यू मिरर में देखा। रियर व्यू मिरर वो मिरर होता है जिससे आप पीछे वाली कार को देख सकते हो। तो कहते हैं मैंने अपने रियर व्यू मिरर में बार बार देखा, एज आई स्टडीड माय पेस अगेन द सर्कलिंग ट्रीज, वो कहते जैसे जैसे मैं आगे वाले कॉर्नर पे, आगे वाले नुक्कड़ पे, जैसे जैसे मैं सीधा होते जा रहा था, वैसे वैसे मैं बार बार अपने रियर व्यू मिरर में देख रहा था, बट देर वॉज ओनली अ मैन, वो कहते लेकिन उस कार के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष था, सिर्फ एक व्यक्ति था। हैड ही स्ट्रिप्ड नॉट ओनली हैट एंड ब्लाउज, शूज एंड पैंटीज एंड ब्रा, तो हैड ही शेड मे बी इवन द वुमन ही वॉज वेयरिंग। और यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं जिसका मतलब अक्सर समझने में दिक्कत होती है। तो अब उनके दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो पुरुष है, क्या उसने सिर्फ अपनी हैट, सिर्फ एक टोपी या ब्लाउज, शूज, पैंटीज और ब्रा, इतना ही उसने स्ट्रिप नहीं किया, उतना ही उसने उतार कर नहीं फेंका, बल्कि मे बी हो सकता है इस व्यक्ति ने, इस पुरुष ने जो उसने महिला पहनी हुई थी उसको भी उतार कर फेंक दिया है क्या, ऐसा उनके दिमाग में सवाल आ रहा है। दोस्तों इस कंसेप्ट को कहा जाता है अर्धनारी नटेश्वर। हमारे भारत के अंदर अर्धनारी नटेश्वर का कंसेप्ट है। हमारे यहाँ पे हम जानते हैं कि भगवान शिव और पार्वती, इन दोनों के पूर्ण होने के बाद वो पूरे हुए थे, आधे हिस्से में भगवान शिव यानी पुरुष थे और आधे हिस्से में माता पार्वती थी, दोनों मिलकर स्त्री और पुरुष मिलने के बाद एक बन गए। और इसे, इस युगल को या इस कपलिंग को, इस मेल को हम कहते हैं पूर्णत्व को पा जाना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसने अपने अंदर की महिला को भी उतार कर फेंक दिया है क्या। तो ये उनके विचार थे कि सामने वाला व्यक्ति अभी से पुरुष बच गया, उसने अपने अंदर की महिला उतार कर फेंक दी है। और वॉज इट मी मोल्टिंग शेडिंग वेस्टिजेस, और बाद में
पहले उन्होंने विचार किया उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में और उसके बाद वो अपने खुद के बारे में विचार कर रहे हैं। कि जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि रोड ट्रिप के अंदर हम खुद के बारे में बहुत सीखते हैं, तो यहाँ पे वो खुद के बारे में सीख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वॉज इट मी, या क्या ये मैं खुद हूँ, मोल्टिंग शेडिंग वेस्टिजेस, जो मोल्ट कर रहा है। मोल्ट करने का मतलब होता है वेस्टिजेस, अपने कुछ वेस्टिजेस को उतार कर फेंक देना, अपने जो पुरानी धारणाएं हैं उनको निकाल कर फेंक देना। वो कह रहे हैं कि क्या ये मैं हूँ जो वेस्टिजेस को निकाल कर फेंक रहा है, जो ऐसे पार्ट, जो ऐसे विचार जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है, ऐसे स्टेरियोटाइप्स, स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है अपनी गलत गलत फहमियाँ। तो वो कह रहे हैं क्या मैं अपने स्टेरियोटाइप्स को, पुरानी विचारधाराओं को उतार कर फेंक रहा हूँ, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स, इन चीज़ों को वो कह रहे हैं ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ टाइम। उन्होंने जिन चीज़ों के ऊपर टाइम दिया है, जिन विचारों के ऊपर टाइम दिया है, वो विचार किन चीज़ों से रिलेटेड है, ट्रांस कल्चरल एक्सपीरियंस से रिलेटेड। उनके दिमाग में ये एक्सपीरियंस था कि कहीं ये इस देश के अंदर के लोग कहीं पे भी सेक्स करते हैं, इस देश के लोग बहुत बोल्ड हैं, इस देश की महिलाएं ऐसे, पुरुष ऐसे हैं, यहाँ का कल्चर ऐसा है, वेस्टर्न कल्चर ऐसा है। आजकल हम भी कई बार इंडियन कल्चर के बारे में अच्छे कहते कहते वेस्टर्न कल्चर के बारे में बहुत बुराइयाँ करते हैं। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट्स उनके दिमाग में था जो उन्होंने उस कल्चर के बारे में सोच रखा था। तो वो करें कि क्या ये मैं हूँ जो इन वेस्टिजेस को, इन गलत फहमियों को, गलत धारणाओं को उतार कर फेंक रहा हूँ, रशिंग फॉरएवर टूवर्ड्स अ परफेक्ट कपलिंग विद नेकेड नथिंग। और अब हमें पता चल रहा है कि आखिर ये किसके बारे में है, तो ये है अब उनके खुद के बारे में। वो कह रहे हैं कि रशिंग फॉरएवर टूवर्ड्स अ परफेक्ट कपलिंग, वो मैं हूँ जो हमेशा परफेक्ट कपलिंग की तरफ जाने की कोशिश करता है। कपलिंग का मतलब होता है एक पुर्जे का दूसरे पुर्जे के अंदर फिट हो जाना, इसको सेक्स भी कह सकते हैं, वो दूसरा मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है वो एक दूसरे से फिट हो जाना, अटैच हो जाना और पूर्ण हो जाना। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ क्या वो मैं हूँ जो कपलिंग करने की कोशिश कर रहा है, विद किसके साथ कपलिंग करने की कोशिश कर रहा है, किसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, विद नेकेड नथिंग इन वर्ल्ड। वो कह रहे हैं नेकेड नथिंग, नेकेड नथिंग का मतलब यहाँ पे है ऐसा जो भगवान है, क्या मैं भगवान के साथ कपलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं भगवान के साथ एक होने की कोशिश कर रहा हूँ, इन अ वर्ल्ड विदाउट प्लेसेस, इस दुनिया में विदाउट प्लेसेस, कि मैं इस दुनिया में कहीं का भी नहीं हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर स्थान का नहीं हूँ और मैं ईश्वर के साथ एक होने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इस पोएम को पूरा पढ़ने के बाद हमें पहली चीज़ समझ में आई, ट्रांस कल्चरल एक्सपीरियंसेस, कि अक्सर हम दूसरे कल्चर के बारे में कुछ गलत धारणाएं हमारे दिमाग में पाल कर चलते हैं, हमें लगता है कि ये कल्चर ऐसा है वैसा है और वो ऐसी एक्सपेक्टेशन हमारी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार वैसा ही हो, कुछ गिनी चुनी एक्सपीरियंसेस को टीवी के ऊपर दिखाया जाता है, नॉवेल्स के अंदर लिखा जाता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे हमें अर्धनारी नटेश्वर के कंसेप्ट के बारे में पता चला, जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों के युगल से हम पूर्णत्व को पा जाते हैं। तो इस चीज़ से हमें पता चला कि सिर्फ एक पुरुष पूर्ण नहीं है, ना ही एक स्त्री पूर्ण है, जब दोनों मिल जाते हैं तब जाके दोनों पूर्णत्व को पा जाते हैं, तब जाके दोनों का मिलकर एक बन जाता है। और तीसरी चीज़ हमें पता चली, जो हमें एके रामानुजन के विचारों से पता चली, कि वो ईश्वर के साथ एक होना चाहते हैं, ना कि सिर्फ किसी स्त्री के साथ एक होना चाहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम की समरी अच्छे से समझ गई। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर पूछिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक यू वेरी मच।